हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टूडेंट्स लाइफ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक स्टूडेंट्स लाइफ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, ऑप्टिक्स खाली स्थान का अध्ययन है। उत्तर है प्रकाश की प्रकृति और गुणधर्मों। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग है। उत्तर है अनुप्रस्थ। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे हैं। उत्तर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। आपका अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश की किरणें होती है। उत्तर है वैद्युत चुंबकीय तरंग। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है। उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र से। आपका अगला प्रश्न है, ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है कहलाती है। उत्तर है प्रकाश तरंग। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं। उत्तर है परावर्तन और अपवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, ध्रुवन होता है। उत्तर है अनुप्रस्थ तरंगों में। आपका अगला प्रश्न है, जब तरंग माध्यम में से चलती है तो। उत्तर है ऊर्जा आवर्ती रूप से स्थानांतरित होती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा। उत्तर है रोमर। आपका अगला प्रश्न है, माध्य के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। उत्तर है घटती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति निर्भर करती है। उत्तर है न तो प्रत्यास्था न ही जड़त्व पर। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या है। उत्तर है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। आपका अगला प्रश्न है, आइंस्टीन द्वारा स्थापित बहुचर्चित सूत्र E=mc² में c किस भौतिक राशि का संकेत है। उत्तर है प्रकाश का वेग। आपका अगला प्रश्न है, वायु शून्य स्थान में प्रकाश की गति है। उत्तर है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपका अगला प्रश्न है, सी आवृत्ति एन प्रकाश की गति सी तथा तरंग दैर्ध्य लेमडा यह किस समीकरण से जुड़ा है। उत्तर है सी बराबर एन लेमडा। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति होती है। उत्तर है दोनों की गति समान होती है। आपका अगला प्रश्न है, किसमें से गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे कम होगी। उत्तर है निर्वात। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश जब हवा से कांच के अंदर से गुजरता है कांच के उसका वेग। उत्तर है कम हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो। उत्तर है दृश्य तुरंत शुरू हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। आपका अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरणों को वायु से कांच में गुजारा जाता है तो
कौन कौन से कारक प्रभावित होते हैं? उत्तर है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग। आपका अगला प्रश्न है, यदि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो? उत्तर है तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों? उत्तर है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। आपका अगला प्रश्न है, जब प्रकाश परावर्तित होता है तब खाली स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है? उत्तर है तरंग दैर्ध्य। आपका अगला प्रश्न है, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किसके कारण से होता है? उत्तर है इसके द्वारा रंग का परिवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, पेरियस्कोप का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर है केवल परावर्तन। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना कहलाता है? उत्तर है अपवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन से। आपका अगला प्रश्न है, रात के समय तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि? उत्तर है वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक घटते बढ़ते रहता है। आपका अगला प्रश्न है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? उत्तर है अपवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ झुकी मालूम पड़ती है, इसका कारण है? उत्तर है अपवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, सूर्यास्त के पहले सूर्य गहरा नारंगी लाल रंग का प्रतीत होता है क्योंकि? उत्तर है उसके प्रकाश को ज़्यादा मोटा वायुमंडल भेद कर आना होता है, इसलिए अन्य रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमारे पास नहीं पहुंचते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यदि सूरज ना हो तो आकाश का रंग प्रतीत होगा? उत्तर है काला। आपका अगला प्रश्न है, पानी के तालाब में डूबे हुए सिक्के को सिर से देखने पर वह उठा हुआ लगता है? उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपका अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान होना चाहिए? उत्तर है क्रांति कोण से अधिक। आपका अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की कोई किरण प्रवंशतः अधिक सघन माध्यम से कम सघन माध्यम की तरफ जाती है तो वह? उत्तर है आपतन बिंदु पर अभिलेख से दूर मुड़ती है। आपका अगला प्रश्न है, हीरे की चमक किसके कारण होती है? उत्तर है उच्च अपवर्तनांक। आपका अगला प्रश्न है, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के खाली स्थान से इंद्रधनुष बनती है? उत्तर है अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपका अगला प्रश्न है, मरीचिका किसका परिणाम है? उत्तर है बहुत बड़े तापमान प्रवणता वाले वायु कण माध्यम से प्रकाश का बर्तन। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश एक साल में खाली स्थान किलोमीटर यात्रा कर सकता है? उत्तर है 10 ट्रिलियन। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? उत्तर है ध्रुवीकरण। आपका अगला प्रश्न है, निर्वात में
एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? उत्तर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपका अगला प्रश्न है, एक चम्मच जो टेढ़ा है किसका उदाहरण है? उत्तर है अपवर्तन का। आपका अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? उत्तर है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना है। करंट इस वीडियो में बस इतना है। फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से हमें मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक स्टूडेंट्स लैब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुक्रिया।